हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है भारत। आज की वीडियो में महिंद्रा XUV 500 जो भी आप बोलते हो, इसका एक हम ओनरशिप रिव्यू करेंगे। ये गाड़ी 61,000 किलोमीटर चल चुकी है और अगस्त 2017 मॉडल है, तो इसको 3 साल कंप्लीट हो चुके हैं। और इसका एक्सपीरियंस कैसा रहा है और इसमें क्या क्या मेंटेनेंस कॉस्ट है, या फिर इसका जो महिंद्रा के साथ हमारा एक्सपीरियंस है वो कैसा रहा है, वो पूरा इस आपको वीडियो में मिलेगा। अगर आप ये वीडियो पूरी देखते हो तो आपको पूरा डाउट क्लियर हो जाएंगे महिंद्रा XUV के बारे में। अगर आप लेने की सोच रहे हो या आप सेकंड हैंड लेने की सोच रहे हो तो भी आप इस रिव्यू देखने के बाद आपके पूरे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि गाड़ी कैसी है, परफॉर्मेंस कैसी है, सब कुछ। पहले हम बात करते हैं सेफ्टी की, जो क्वालिटी है गाड़ी की। अगर मैं सेफ्टी की बात करता हूँ तो एक गाड़ी की बॉडी क्वालिटी में कोई इशू नहीं है, बहुत सेफ गाड़ी है। अगर आप मैं इसके डोर ओपन क्लोज करके दिखाता हूँ तो जो इसकी थर्ड साउंड है उसी से आपको पता लगेगी कि कितने हैवी डोर्स हैं इसके। तो जो बॉडी क्वालिटी उसमें भी कोई इशू नहीं है। बट अगर आप इसकी डैशबोर्ड की बात करते हो, फिट एंड फिनिश की बात करते हो, तो वो कहीं ना कहीं आपको डिसअपॉइंट करेगा, क्योंकि फिट एंड फिनिश महिंद्रा की अच्छी नहीं है। और कुछ टाइम बाद अभी भी जैसे इसको 61,000 इसने कंप्लीट कर लिया है, तो कहीं ना कहीं डैशबोर्ड से और डोर ट्रिम से आपको रैटलिंग साउंड मिलेगी, तो वहाँ इसकी क्वालिटी थोड़ी सी डाउन है। बाकी बॉडी क्वालिटी में कोई इशू नहीं है, बहुत अच्छी क्वालिटी है। सेकंड पॉइंट आ जाता है हमारा इंजन। अगर मैं इंजन की बात करता हूँ, अभी मैं ओपन करता हूँ आपको दिखाता हूँ। इसमें 2000cc का इंजन है 2 लीटर का, क्योंकि जो दिल्ली NCR में आपको पता है 2017 में वो एक रूल आया था कि 2000cc से ऊपर की जो SUV है वो नहीं बिकेंगी। तो इसमें MHawk 140 BHP का इंजन है जो 320 Nm का टॉर्क दे रखा है। तो इंजन की जो परफॉर्मेंस है उसमें कहीं भी कोई भी इशू नहीं है, बहुत अच्छा इंजन है और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। और जो फ्यूल एफिशिएंट भी इंजन, मतलब लगभग 1800 किलो की गाड़ी है और उसमें ये आपको इजीली ऑन एवरेज 14 की माइलेज निकाल देता है। अगर आप सिटी ड्राइव करते हो तो आपको 11-12, और आप सिर्फ हाईवे ड्राइव करते हो तो आपको कहीं ना कहीं 15-16 की माइलेज प्यार से देता है। तो बहुत फ्यूल एफिशिएंट और बहुत प्यारा इंजन है, इंजन में कोई भी दिक्कत नहीं है। थर्ड हमारा पॉइंट आता है इसकी हेडलाइट। अगर मैं इसकी हेडलाइट की बात करता हूँ, आपकी नाइट ड्राइविंग ज़्यादा है तो आपको अपग्रेड करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जो इसकी ब्राइटनेस है, या फिर लो बीम या हाई बीम आप कोई भी देखते हो, जो इसकी ब्राइटनेस है वो बहुत अच्छी है, तो आपको कोई भी अपग्रेड करने की इसके अंदर जरूरत नहीं है। ब्राइटनेस बहुत अच्छी है इस गाड़ी की। उसके बाद आता है इसके जो सस्पेंशन सेटअप है। अगर इसका आप सस्पेंशन सेटअप देखते हो तो स्टीफर साइड है, और अगर आप सिटी में ड्राइव करते हो तो सिटी में जब आप कहीं ना कहीं इसको ड्राइव करोगे तो आपको बम्पी राइड फील होगी, क्योंकि स्टिफ सस्पेंशन होने की वजह से जो बम्प है वो बिल्कुल डायरेक्टली ट्रांसफर होते हैं कैबिन के अंदर। तो कहीं ना कहीं सिटी में इसकी बम्पी राइड है, बट जब आप हाईवे पे जाओगे तो ये जो सस्पेंशन है बहुत अच्छा रोल प्ले करेंगे और आपकी गाड़ी स्टेबल रहेगी। उसके बाद जो हमारा अगला पॉइंट आता है इसके टायर्स अभी 60,000 में फर्स्ट टाइम चेंज हुए हैं, और ये अब हमने योकोहामा के 80 टायर्स डलवाए हैं, जियोलैंडर 80। उससे पहले इसमें अपोलो के स्टॉक टायर आते थे, वो 60,000 किलोमीटर चले हैं, काफ़ी अच्छे हैं। मतलब SUV में अगर 60,000 टायर्स चल रहे हैं तो बहुत अच्छे हैं, कोई इशू नहीं है। तो अब ये 60,000 में इसके टायर्स चेंज हुए हैं। उसके बाद हमें दिखाते हैं इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो इसका लगेज। अगर इसका बूट स्पेस देख लेते हैं, अगर आप 7 बंदे गाड़ी में बैठे हो उसके बाद अगर आप बूट स्पेस देखते हो तो कुछ भी नहीं है, लगभग 90 लीटर के आसपास है, 93 लीटर। तो उसमें मेरे ख्याल से एक बैग भी नहीं आएगा, छोटे मोटे अगर पन्नी वगैरह है तो आप डाल सकते हो, अगर बैग रखोगे तो बंद ही नहीं होगी। तो ये बूट स्पेस इसमें बिल्कुल ना के बराबर है, 100 लीटर से नीचे बूट स्पेस कुछ नहीं होता। बाकी अब इसके अंदर चल के देखते हैं, अंदर का आपको स्पेस मैं दिखा देता हूँ। अगर मैं यहाँ बैठता हूँ तो लेग रूम पूरा है, सेकंड रो ये है, तो इसमें लेग रूम पूरा है, कोई भी इशू नहीं है। हाई स्पोर्ट भी गाड़ी में अच्छा है, कोई भी इशू नहीं है। कहीं ना कहीं ये जो बैक है ये एंगल थोड़ा सा है, ये अगर आप ज़्यादा लंबे बैठे रहोगे तो आपको लगेगा यार कहीं ना कहीं जो बैक है वो पूरी कंफर्टेबल नहीं है। बाकी स्पेस पूरा है और हाई स्पोर्ट अच्छा है। अब चलते पीछे, अगर हम इसके पीछे चलते हैं तो अगर मैं यहाँ पीछे बैठता हूँ, अब लोग बोलते हैं इसको 7 सीटर। अभी मैं आपको थोड़ा क्लोजअप दिखा देता हूँ, ये आप देखो जी कहाँ की 7 सीटर है। मतलब अगर मेरी 6 फीट हाइट है और मैं बिल्कुल फंसा हुआ हूँ इसमें, मतलब मैं इसमें 50 किलोमीटर नहीं बैठ सकता एक साथ। तो ये सिर्फ बच्चों के लिए है, किड्स के लिए है, इसमें बड़े आदमी बिल्कुल नहीं बैठ सकते। तो बड़े आदमी सिर्फ 5, बाकी पीछे 2 बच्चे, तो 7 प्रॉपर इसे 7 सीटर में नहीं बोलूँगा। और अगर आप इसको प्रॉपर 7 सीटर सोच के ले रहे हो तो कोई फायदा नहीं है, ये गाड़ी प्रॉपर 7 सीटर नहीं है। उसके बाद बात कर लेते हैं इसकी ग्राउंड क्लियरेंस की।
अगर ग्राउंड क्लियरेंस की बात करता हूँ तो 200 mm का इसमें ग्राउंड क्लियरेंस आता है, और अगर आप हल्की फुल्की ऑफ रोडिंग करते हो या रूरल रेंज में विलेज में ड्राइव करते हो तो कहीं भी गाड़ी टच नहीं होती, ऐसा नहीं है कि गाड़ी आपको टच हो रही है, क्योंकि 200 mm का ग्राउंड क्लियरेंस इनफ है ऐसी गाड़ी के लिए। अब गाड़ी को ड्राइव करते हैं और देखते हैं इसकी ड्राइविंग फील या इसकी जो ड्राइविंग परफॉर्मेंस है वो कैसी गाड़ी है। सो लेट्स ड्राइव। सो ड्राइव करने से पहले सबसे पहले तो सीट बेल्ट लगा लें, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, सेफ्टी फर्स्ट। सो जब भी आप ड्राइव करते हो तो ड्राइवर पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एक व्यू देखना होता है कि गाड़ी में आप बैठ रहे हो ड्राइवर सीट पे तो विजिबिलिटी कैसी है, और एसयूवी में फील तभी आती है जब आप बैठने के बाद आपको बोनट हुड दिखे, जो आपको इस साइड से उठे हुए हुड दिख रहे हैं। अगर एसयूवी में आपको पूरा बोनट दिख रहा है तो आपको एक प्रॉपर एसयूवी है और आपको उसमें प्रॉपर एसयूवी वाली फील भी आएगी ड्राइव करने में। तो इसका जो विजिबिलिटी वाला पॉइंट है वो काफी अच्छा है और काफी अच्छी विजिबिलिटी है गाड़ी की ड्राइवर सीट से। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है इसकी क्लच और गियर। 61,000 कर चुकी है, क्लच बिल्कुल स्मूथ है, मतलब अगर मैं इसको प्रेस कर रहा हूँ तो बिल्कुल जैसे नई गाड़ी में होता है, बिल्कुल स्मूथ है, क्लच में कोई इशू नहीं है। बट अगर गियर की बात करता हूँ तो गियर कहीं ना कहीं इसका नॉइसी है और ना स्मूथ है। अगर आप देख रहे हो ये शायद आपको वीडियो में आवाज़ आ जाए तो वो कहीं ना कहीं स्मूथ नहीं है और ये कहीं ना कहीं नॉइसी है, गियर बॉक्स इसका अच्छा नहीं है, जब आप गियर शिफ्टिंग करोगे तो कहीं ना कहीं आवाज़ आती है। उसके बाद हमारे जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम। अगर मैं इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात करता हूँ तो आपको इधर सारा टच से कंट्रोल, सारा बटन से कंट्रोल सब कुछ मिल जाता है। ये आपको एसी के कंट्रोल्स, इधर आपके ट्रैक्शन वगैरह या पार्किंग वगैरह लाइट्स के, मतलब पूरे बटन से भी कंट्रोल है और आप इस टच से भी पूरा कंट्रोल, आपको नेविगेशन वगैरह ये सब इधर मिल जाएंगे। इको सेंस है, गाड़ी की पूरी डिटेल, सर्विस डिटेल है, क्या एवरेज है, पूरी इंजन की हेल्थ है, मतलब सब कुछ आपको मिल जाएगा। ये फेसबुक व्हाट्सएप ये सारी मीडिया वीडिया आपको जो भी है, मतलब सारा इसमें पूरा कंप्लीट वो है, फीचर लोडेड है। ये जो आपको टच दिख रहा है पूरा फीचर लोडेड है, इसमें आपको जितने भी मैक्सिमम फीचर्स होते हैं अगर मैं उसको स्पेशली अगर आपको बताऊंगा तो लगभग 2-3 मिनट लंबी वीडियो हो जाएगी। तो मैंने आपको बता दिया फीचर लोडेड ये पूरा इंफोटेनमेंट है, कोई भी इशू नहीं है। बट जो इसमें इसकी ऑडियो क्वालिटी है, ऑडियो क्वालिटी कहीं ना कहीं आपको डिसअपॉइंट करेगी। जब आप अगर आपको बेस अच्छा चाहिए ऑडियो में तो आपको कहीं ना कहीं ये डिसअपॉइंट करेगी, क्योंकि इसकी ऑडियो क्वालिटी अच्छी नहीं है। बेस वगैरह गाड़ी में इतना अच्छा नहीं आता जब आप सुनते हो, सिर्फ और सिर्फ ट्विटर की आवाज आती है और जो बेस है वो बहुत डाउन रहता है, तो ऑडियो क्वालिटी आपको डिसअपॉइंट करेगी। उसके बाद अगर आप इसको इंफोटेनमेंट को, ये भले ही महिंद्रा ने इसके ऊपर ये ऐसे शेडो सी ला रखी है बट जब आप ब्राइट सनलाइट होता है तो ये आपको विजिबल नहीं होता। अगर आप ड्राइव कर रहे हो और आपको देख रहे हो तो ये प्रॉपर जो इसकी ब्राइटनेस वगैरह वो इतनी अच्छी नहीं है, और जब सनलाइट ज्यादा होती है तो ये दिखता नहीं है, कई बार आपको थोड़ी रिफ्लेक्शन पड़ती है और प्रॉपर दिखता नहीं है। फीचर लोडेड है, बाकी इसमें 2-3 ऑडियो की और जो सनलाइट की रिफ्लेक्शन है वो वाली इसके अंदर कमी है। उसके बाद मैं बात कर लेता हूँ इसकी कैमरा क्वालिटी की। अगर मैं आपको कैमरा क्वालिटी दिखाता हूँ तो कैमरा क्वालिटी ठीक है, बट मैं बेस्ट नहीं बोलूंगा, आपको इससे कम बजट की गाड़ियों में इससे अच्छी कैमरा क्वालिटी मिल जाती है। तो ये है, बाकी ये आपको गाइडिंग मिल जाती है स्टीयरिंग के हिसाब से, क्वालिटी एवरेज है, ज़्यादा अच्छी नहीं होगा मैं इस क्वालिटी को। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो इसका एसी। एसी बहुत एक्सीलेंट है, आपको सेकंड रो में, अगर आपको मैं दिखा देता हूँ, सेकंड रो में आपको यहाँ इधर वेंट्स मिल जाएंगे, पीछे थर्ड रो में भी वेंट्स मिल जाते हैं, और आगे जो कूलिंग है वो बहुत अच्छी है। एसी में कोई भी डाउट नहीं है, एसी बहुत अच्छा कूल करता है, और अभी तक लगभग 3 साल हो चुके हैं, ना कोई टॉप अप ना कोई सर्विस ऐसा कुछ भी नहीं हुआ एसी में, एसी की कूलिंग बहुत अच्छी है। उसके जो मेरा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है इसका स्टीयरिंग। स्टीयरिंग देखने में बहुत अच्छा और फीलिंग भी अगर आप इसको पकड़ रहे हो तो बहुत अच्छी फील आती है, आपको लगता है एक पूरा एसयूवी वाला स्टीयरिंग। बट जो स्टीयरिंग है वो थोड़ा लाइटर साइड है, मतलब लाइट स्टीयरिंग है आप बोलोगे एसयूवी का। जब आप हाई स्पीड में ड्राइव करते हो तो कहीं ना कहीं आपको ये होल्ड करके रखना पड़ता है स्टीयरिंग। ऐसा नहीं है कि मतलब आप स्पीड में ड्राइव कर रहे हो और आपने बिल्कुल लाइट उससे स्टीयरिंग को होल्ड किया हुआ है, आपको थोड़ा इस पर कंट्रोल बनाना पड़ता है स्टीयरिंग पे, तभी थोड़ी ये गाड़ी मतलब हैंडलिंग अच्छी करती है। क्योंकि इतनी भारी गाड़ी है लगभग 1800 किलो की और उसमें थोड़ा लाइट स्टीयरिंग, तो स्पीड में कहीं ना कहीं आपको थोड़ा इस पर कंट्रोल बनाना पड़ता है। और जब आप 120 से ऊपर ड्राइव करोगे तो कहीं ना कहीं आपको इसमें वाइब्रेशन भी फील होगी स्टीयरिंग में, तो हाई स्पीड में ये स्टीयरिंग वाइब्रेट भी करता है, थोड़ा लाइटर साइड है, तो आपको पूरा कंटिन्यू जब आप ड्राइव करते हो तो आपको कहीं ना कहीं इसको बिल्कुल होल्ड करके, ऐसा नहीं है कि आप गाड़ी हाथ छोड़ के चला रहे हो या एक हाथ से चला रहे हो, तो आपको कहीं ना कहीं बिल्कुल होल्ड करके ड्राइव करना पड़ता है। तो थोड़ा सा ये इसका एक फीडबैक है स्टीयरिंग का, जो एक्सयूवी का स्टीयरिंग है वो लाइटर साइड है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है इसकी स्टेबिलिटी। अगर मैं इस एक्सयूवी की स्टेबिलिटी देखता हूँ तो गाड़ी स्टेबल है, नो डाउट। अगर आप इसको 120, 130, 140, 150 तक भी ड्राइव करते हो तो भी गाड़ी स्टेबल रहती है। उसका रीज़न है इसकी स्टिफर सस्पेंशन, जो इसको बिल्कुल हाई स्पीड पे स्टेबल रखते हैं और आप कॉन्फिडेंट हो गए इसको हाई स्पीड पे, मतलब 150, 160 ड्राइव कर सकते हो, बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो गए।
बट जब आप इसको स्पीड पे ड्राइव करोगे, लगभग आप 150 पे ड्राइव करोगे, जो आपकी ड्राइवर सीट है वो तो आपको बिल्कुल बॉडी रोल फील नहीं होने देगी। बट जब आप, अगर आप सेकंड रो में कोई बैठा है या कोई थर्ड रो में बैठा है, वहाँ पे आपको इसका बॉडी रोल इसमें फील होगा, और जो पीछे बंदे बैठे हैं वो कहीं ना कहीं थोड़े से, मतलब उनको उतना कंफर्टेबल ड्राइविंग फील नहीं होगी, क्योंकि गाड़ी में कहीं ना कहीं इसमें बॉडी रोल है। जनरली क्या होते हैं, जो स्टिफर सस्पेंशन होते हैं वहाँ पे आपको बॉडी रोल इतना नहीं मिलता, बट इसके अंदर आपको पीछे जो थर्ड रो पे वहाँ पे काफ़ी बॉडी रोल देखने को मिलता है, और सेकंड रो में भी हल्का फुल्का बॉडी रोल फील होता है हाई स्पीड पे। उसके बाद जो हमारा पॉइंट आता है वो है इसका NVH, नॉइस वाइब्रेशन एंड हार्शनेस। जो इसका NVH वाला पॉइंट है, NVH गाड़ी में मैं अगर कहूँगा 100 से ऊपर जाते हैं, 100, 120, तो आपको एक विंड की साउंड या फिर जो इसके जो साइड मिरर्स हैं उससे जो साउंड वेव जो स्ट्राइक होती है, और तो वो कहीं ना कहीं इसकी जो अंदर जो इसकी कैबिन नॉइस है वो उसको बढ़ाती है। इंजन की नॉइस भी आती है 100 से ऊपर जम जाते हैं। तो NVH कुल मिला के मैं ठीक ही बोलूँगा, ज़्यादा बेटर नहीं बोलूँगा, ऑन एवरेज इसका मतलब एक NVH ठीक है, ज़्यादा अच्छे नहीं बोलूँगा, ज़्यादा साइलेंट नहीं है। 120 के बाद आपको कहीं ना कहीं टायर नॉइस और इंजन नॉइस और विंड नॉइस गाड़ी के अंदर आपको फील होगी। तो NVH पॉइंट ऑन एवरेज है, नॉट एक्सीलेंट। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है वो है इसकी परफॉर्मेंस, सिटी परफॉर्मेंस, हाईवे परफॉर्मेंस या ऑफ रोड परफॉर्मेंस। तीनों परफॉर्मेंस इस गाड़ी में, मतलब मैं इस गाड़ी को मेरे हिसाब से गाड़ी ऑलराउंडर है। ये सिटी में भी आपको बिल्कुल सही परफॉर्मेंस देगी, इजी है बिल्कुल ड्राइव करने में, हाईवे पे भी गाड़ी स्टेबल रहती है अगर आप 120 130 तक ड्राइव करते हो, अगर आपके साथ ऑफ रोडिंग भी करते हो तो भी कोई इशू नहीं है। मतलब गाड़ी ऑन रोड ऑफ रोड हर जगह इसकी परफॉर्मेंस मैं अच्छी बताऊंगा, गाड़ी की परफॉर्मेंस ओवरऑल परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है गाड़ी की। नेक्स्ट पॉइंट अगर मैं आता हूँ तो सेफ्टी, तो इसमें आपको मैक्सिमम सेफ्टी फीचर मिल जाते हैं, ABS है, EBD है, ESP है, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम या रोल ओवर मिटिगेशन है, तो काफ़ी मतलब पूरी सेफ गाड़ी है और सारे सेफ्टी फीचर्स से आपको इस गाड़ी के अंदर देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो इसकी सर्विस कॉस्ट, जो मेन पॉइंट है, मतलब अगर आप ओनरशिप रिव्यू देखो तो सर्विस कॉस्ट आपको जरूर पता होनी चाहिए। जो सर्विस कॉस्ट है OD1 आपको पता होगा, एक 10 पे 20, 30, 40 जो इसकी और सर्विस है वो कॉस्टली है, जो ओड पे मतलब ओड इवन जो सर्विस होती है, एक सर्विस इसकी कॉस्ट पड़ती है 8 to 10,000 और एक आती है लगभग 17 to 18,000। मतलब ऑन एवरेज इसकी जो 1 लाख तक की सर्विस कॉस्ट होती है वो है लगभग 15,000। मतलब ऑन एवरेज आप इसे मानते हो, एक कम एक ज्यादा ऑन एवरेज आप करोगे तो लगभग 15,000 के आस 14-15,000 की सर्विस पड़ती है XUV की एक सर्विस। तो ये इसकी सर्विस कॉस्ट है। उसके बाद इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट, अगर मैं मेंटेनेंस कॉस्ट की बात करता हूँ तो इसमें अभी तक जो मेन खर्चा है वो है इसका फ्यूल प्रेशर पंप का, वो भी खर्चा नहीं बोलूंगा मैं क्योंकि वारंटी है, 3 इयर्स की वारंटी है, 3 इयर्स वारंटी में इसका काम हुआ है तो फ्री ऑफ कॉस्ट हुआ है, बट वो एक खर्चा तो आया ही है गाड़ी के अंदर, और वो 2-3 बार आ चुका है, रिपीट होता है, मतलब अभी तक महिंद्रा से उसका प्रॉपर सॉल्यूशन हो नहीं रहा है। जो इसका फ्यूल प्रेशर पंप है वो कई बार काम नहीं करता, गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। बाकी इसमें जो एक दो लैग के इशू मैं बताता हूँ, कई बार इसका जो कैमरा है बैक कैमरा वो काम नहीं करता है, और जो इसकी वॉइस कमांड्स हैं वो भी कई बार रिस्पॉन्ड नहीं करते, आप कॉल के लिए कमांड दे रहे हो बट वो लेता नहीं है, तो इसकी वॉइस कमांड है या फिर जो कैमरा क्वालिटी वो कई बार काम नहीं करती है। बाकी अगर आप कहीं भी आपकी गाड़ी, अगर महिंद्रा की गाड़ी थोड़ी बहुत एक्सीडेंट हो जाती है तो महिंद्रा के पास अच्छे कार डॉक्टर्स नहीं है, अच्छे टेक्नीशियन नहीं है, अगर वो एक बार गाड़ी आपकी कहीं से कहीं ना ठुक गई तो वो प्रॉपर जैसी नहीं होती वैसी नहीं हो पाएगी, वो कहीं ना कहीं जुगाड़ पानी करके देंगे आपको, और वो जैसे अभी डोर वाला इसका ये लेफ्ट साइड से एक्सीडेंट हुई थी तो अभी भी इसका जो लेफ्ट डोर है वो ढंग से बंद नहीं होता, थोड़ा सा फोर्स लगाना पड़ता है। तो वो चीज़ है कि महिंद्रा में आपको थोड़ा ये ध्यान देना पड़ता है कि जो महिंद्रा की आफ्टर सेल सर्विस है वो बढ़िया नहीं है, आपको वो कहीं ना कहीं परेशान करेगी। तो ये एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है, जो महिंद्रा अगर कोई लेता है और सेकंड टाइम उसको अवॉइड कर रहा है तो उसका रीज़न यही है, उसकी आफ्टर सेल सर्विस। इसके अलावा इसमें जो ये टायरट्रॉनिक साइड जो टायर प्रेशर है ये भी कई बार काम नहीं करता है, कई बार ये ओके दिखाता है, कई बार उसमें फॉल्ट दिखा देता है, तो ये भी कई बार अपने आप काम करने लग जाता है। तो ये कुछ इलेक्ट्रिकल इशू है महिंद्रा में, जो अपने आप ठीक हो जाते हैं, अपने आप ओके हो जाते हैं, मतलब कोई पता नहीं चलता क्या रीज़न है। तो ये कहीं ना कहीं जो इश्यूज़ हैं, कुछ जो क्वालिटी इश्यूज़ हैं वो महिंद्रा में है ही, तो वो थोड़ा आपको कहीं ना कहीं परेशान कर सकते हैं। सो ये था हमारा एक ओनरशिप रिव्यू, आपको हम आपको दिखा देता हूँ, अभी सनलाइट पड़ रही है इस पर जो मैंने आपको बताया था, और मेरे को कुछ भी नहीं दिख रहा, पीछे सनलाइट पड़ रही है और मेरे को पता ही नहीं चल रहा कि अब देखो अब सनलाइट का ये अब दिख रहा है। तो ये जो इसकी ब्राइटनेस है वो बड़ी, वो मैंने आपको जैसा आपको बताया ऑलरेडी, तो सनलाइट में सब कुछ नहीं दिखा। तो ये हमारा एक ओनरशिप रिव्यू था, और थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, नाउ प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर ऑटो एंड ट्रेवल वीडियोज़। ओके गाइज, बाय।